नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की अध्ययन माला का विषय है कबीरदास। पिछले वीडियो में भी हमने कबीरदास जी को पढ़ा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली पद की व्याख्या हम करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे, खांड कया मुख मीठा, पावक कया पाव दे जाजे, जल कई त्रिसा बुझाई, भोजन कया भोग जे भाजे, तो सब को तिर जाई। पंडित बात बदनते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे, खांड कया मुख मीठा। निम्नलिखित पद्यांश है वो निर्गुण धारा के संत कबीरदास जी द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक पे कबीर पद नाम से संकलित पुस्तक से लिया गया है। ये पंक्तियां पद कहलाती हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने पंडितों की कथनी और करनी में भेद बताया है। किसकी कथनी और करनी? पंडितों की। पंडित लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, तो उनकी कथनी और करनी में जो भेद है उस प्रसंग को लेकर के इन्होंने इस पद में लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं, पंडितों के द्वारा पंडित वाद बदनते झूठा, पंडितों के द्वारा जितने भी वाद मत इत्यादि चलाए गए हैं वे सब के सब झूठे हैं, तथ्य विहीन है। पंडित लोग जितने भी मत मतांतर वाद चलाते हैं वे सब के सब झूठे हैं, मिथ्या है, तर्कहीन है। पंडित लोग कहते हैं कि राम नाम लेने से व्यक्ति का इस संसार से उद्धार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि राम का नाम लेने मात्र से या उच्चारण मात्र से ही मनुष्य सदगति को प्राप्त कर लेता तो शक्कर, जिसको हम चीनी कहते हैं, खांड कहते हैं, चीनी शब्द के कहने या शक्कर शब्द के कहने एवं उच्चारण मात्र से ही उसका मुख मीठा हो जाता। कि अगर राम नाम लेने से ही हमारी गति हो जाती, भगवान के दर्शन हो जाते, कि मुख में कुछ और है और आत्मा में कुछ और है, वाणी से तो हम राम का नाम ले रहे हैं और अंदर बुराई की भावना भरी हुई है, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये तो वही बात हुई कि मुख से हम चीनी बोले, शक्कर बोले, और बोलते ही क्या हमारा मुख मीठा हो जाएगा? अर्थात नहीं। तो भगवान की भक्ति करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, अपने कथन के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एवं जनमानस को सन्मार्ग दिखलाने की दृष्टि से कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पावक कया पाव दे दाजे, जल कई त्रिसा बुझाई, भोजन कया भूख जे भाजे, तो सब कोई तर जाई। यदि अग्नि कहने से, पावक कहते हैं अग्नि, यदि अग्नि कहने से पैर जलने लगे और जल कहने से प्यास बुझ जाए, त्रिषा यानी प्यास, जल कहने से प्यास बुझ जाए और अग्नि कहने से पेट जलने लगे, तो इसी तरह यदि भोजन कहने से भी भोजन कया भूख जे भाजे, तो सब कोई तरी जाए। भोजन कहने से अगर हमारी भूख शांत हो जाती है तो ये बात कही जा सकती है कि राम कहने मात्र से ही सदगति प्राप्त हो सकती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, लेकिन कहने मात्र से ये तभी संभव है जब हम अपने मनोविकारों को दूर करेंगे, भलाई की भावना मन में रखेंगे, निर्गुण निराकार ईश्वर को पूछते जाएंगे, तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसके लिए कर्म की स्थिति के अनुरूप आचरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी आधार पर इस संसार से मुक्ति पाने के लिए राम के प्रति भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है।
कबीरदास जी कहते हैं कि यदि राम नाम के उच्चारण से ही मुक्ति की प्राप्ति होने लगे तो उस तोते की भी मुक्ति हो जानी चाहिए जो अपने मालिक के साथ, अपने स्वामी के साथ साथ राम नाम का उच्चारण करता है। नर के संगी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी सूरती नहीं आने। सुआ कहते हैं तोता, कि यदि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि राम नाम के उच्चारण से ही मुक्ति की प्राप्ति होने लगे तो सुआ तोता तोते की भी मुक्ति हो जानी चाहिए, मोक्ष प्राप्ति हो जानी चाहिए जो अपने मालिक के साथ बार बार हर समय राम नाम का उच्चारण करता है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, वास्तविकता तो यह है कि बुलाए जाने पर तोता राम नाम का उच्चारण करता है। उससे कहते हैं कि बोल सुआ, बोल तोता राम राम, तो तोता राम राम नाम का उच्चारण करता है। वह वास्तव में राम के नाम की महिमा एवं महत्व को जानता नहीं है। ईश्वर की महिमा का राम के नाम की महत्ता को वो नहीं जानता, वो तो अपने मालिक के, स्वामी के कहे अनुसार राम का नाम ले रहा है, क्योंकि वह स्वयं अज्ञान से भरा हुआ है, वो तोता अज्ञान से भरा हुआ है। जो कबू उड़ जाए जंगल में, बहुरी सुरती नहीं आवे, बिनु देखे बिनु अरस परस, बिनु नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई, सांची प्रीति बिरखे माया सु, हरि भगत न सो हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे तो बांधे जमपुर जासी। कबीर दास जी कहते हैं जब कभी भी वह अपने स्वामी के चंगुल से छूट करके जंगल में उड़कर चला जाता है तो वहां वह राम नाम का उच्चारण भूल जाता है। जंगल में जाते ही, क्योंकि वहां उसका मालिक साथ नहीं होता, तो राम नाम स्मरण वो भूल जाता है, फिर कभी भी राम नाम नहीं लेता। इसलिए जब तक ईश्वर के प्रति सहज अनुरक्ति नहीं होगी तब तक इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए राम नाम की महत्ता को समझना चाहिए, राम नाम के महत्व को समझकर स्वाभाविक रूप से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।